मेकर्स की चॉइस विनर के लिए जैस्मिन है, फैंस की चॉइस रुबीना है, और लोगों का दिल अगर किसी ने जीता हो और विनर बना हो तो वो राहुल है। ये बात जो है आज का एपिसोड देखकर पता नहीं मुझे क्यों बार बार लग रही है कि सभी ने अपने अपने विनर्स बना लिए हैं। कुछ थोपे हुए विनर्स लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, और कुछ ऐसे कंटेस्टेंट जिनको मेकर्स चाहते हैं कि आगे तक लेकर जाना ही है, भले कैसे भी क्यों ना हो। हालांकि आज जान का एलिमिनेशन हुआ, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी रुबीना की, जैस्मिन की। सबसे पहले जैस्मिन से शुरू करते हैं। आज इम्यूनिटी स्टोन रुबीना को मिला। जैस्मिन को लगता है कि रुबीना विनर नहीं बन सकती हैं, फाइनल राउंड में नहीं जा सकती हैं। वो वीक 13 में ही उनको आउट देखती है। वेरी गुड जैस्मिन। और वो किसको देखती है? अभिनव को फाइनल में देखती हैं, अली को देखती हैं, एजाज को देखती हैं, लेकिन वो रुबीना को फाइनल राउंड में नहीं देखती है। और ये है जैस्मिन की दोस्ती। और जब घर में हर कोई रुबीना को स्ट्रांग समझ रहा है, तब जैस्मिन को ऐसा लगता है कि रुबीना जो है फाइनल राउंड में जाने लायक नहीं है। मैं बहुत सरप्राइज थी जैस्मिन के इस तर्क से। जैस्मिन सैटरडे संडे बहुत क्यूट बन जाती हैं, बेबी बन जाती हैं, क्यूटनेस। लेकिन आज जो कविता के साथ जब टास्क हो रहा था और जो जैस्मिन कर रही थी, वो बदतमीजी है या क्यूटनेस है? सलमान खान भी उसका साथ दे रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि एक टास्क चल रहा है और क्या वो कविता का मजाक उड़ाने के लिए टास्क किया गया था? मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। मैं जैस्मिन को बहुत पसंद करती थी। अगर आप मेरे शुरू के रिव्यू देखें तो मैं लगातार कह रही थी कि मुझे जैस्मिन से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मुझे वो बहुत प्यारी लगती हैं, दिल की बहुत साफ़ हैं। घर में जब भी झगड़े होते हैं वो जाती हैं, वो कुछ नहीं सोचती, मनाती हैं, कंसोल करती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ होती है, आप दूसरों का दर्द समझ पा रही हैं। आप अपनी दोस्त रुबीना को नहीं समझ पा रही, उसका गेम नहीं समझ पा रही हैं। पूरा मैंने बहुत आज नोट किया वीकेंड का बार में, अभिनव, रुबीना, जैस्मिन ये साथ बैठते हैं, अली राहुल के साथ बैठता है, बाहर गार्डन एरिया में भी ये तीनों साथ बैठे। मतलब आप दोस्ती एकदम पक्की वाली है, लेकिन जब विनर बनाने की बात है, जब आपको लगता है कि फाइनल वीक में कौन जाएगा, तब आपने रुबीना को बाहर कर दिया। और आज कविता का जब वो टास्क चल रहा था, जिस तरीके से जैस्मिन कर रही थी, क्यूट है, मेकर्स एकता कपूर अंदर आई, उसने बोला तू बाहर आ लेकिन विनर बन के आना। सलमान खान ने भी बोला वेरी गुड, मजे आ गए, कुछ इसी तरह का डायलॉग मारा था जब वो कविता की एक्टिंग कर रही थी। मुझे लग रहा था कि सलमान खान रोकेंगे। ठीक है, टास्क में हर कोई करता है, एक दूसरे को इंटरफेयर भी करते हैं, लेकिन पूरा टास्क चला गया एक या दो कंटेस्टेंट के बाद से ही शुरू हो गई थी। जैस्मिन अली भी हंसे जा रहे थे, जैस्मिन भी, सलमान खान भी हंस रहे थे। मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कविता को पसंद करती हूँ, लेकिन घर में एक टास्क चल रहा है, सीनियर आर्टिस्ट है वो, और उन्होंने भी सबको बहुत कुछ बोला है, लेकिन उस समय मुझे जैस्मिन का एटीट्यूड सही नहीं लगा है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि नहीं, कविता यही डिजर्व करती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि घर में जब टास्क चल रहा है, बाकी सदस्य इन्वॉल्व हैं करने के लिए, बाकी लोग भी कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं कर रहा था ना। और जैस्मिन को किचन में उन्होंने बोला, इसके लिए बात बुरी लगी। अरे तुमसे ज़्यादा बुरी तो एजाज को लगनी चाहिए। एजाज को क्या क्या नहीं बोला है कविता ने, लेकिन क्या वो इस तरीके की हरकतें करते हैं? बिल्कुल नहीं। अब मैं आऊँगी रुबीना पे। रुबीना, फैंस ने उन्हें, वो विनर बने ना बने, विनर बनाया है। आज इम्यूनिटी स्टोन उन्होंने जीता है। एकता काफ़ी इम्प्रेस नज़र आई। एकता की क्या बात करूं, मुझे लगता है कि आज जितनों ने भी वीकेंड का वार देखा होगा, जो उनकी एक्टिंग थी, खास आप जो पवित्रा की एक्टिंग की है उन्होंने, एकता ने बोला मुझे वैसे ही कोई सुंदर खूबसूरत फेस वाला चाहिए, और रुबीना को उन्होंने बुलाया। खुद एकता कपूर उससे इम्प्रेस लग रही थी, और उन्होंने दो लोगों को चुना, रुबीना को और निक्की को। निक्की के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर थे। जब अंदर भी बुलाया गया तो निक्की ने क्या बोला, मुझे लोगों ने दोस्त बनाया और उसके बाद फ़ायदा उठाया, मैं भी यही करूँगी। और आपने देखा, जब सबसे पहले हेलो बोला एजाज ने, तो सलमान ने बोला उसको काम मिलेगा, कौन कौन हेलो बोलेगा, सबने हेलो बोला, लेकिन निक्की ऐसी बैठी रही। लेकिन मुझे आज एकता कपूर निक्की से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस लगी। मुझे लगा कि उनको जो है निक्की में पोटेंशियल नज़र आया है, और लिख लीजिए, वो ज़रूर जो है निक्की को कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऑफर ज़रूर करेंगी। रुबीना को इम्यूनिटी स्टोन दिया। रुबीना ने अपनी बात से उनका दिल छुआ, रुबीना ने अपनी बात से सभी का दिल छुआ। उन्होंने बोला मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी इंस्टिंक्ट पर जाऊँगी, मैंने आपकी बात समझ ली। और वो हम कल ही देख रहे हैं, वो अभिनव को बोल रही है शट अप। अभिनव, अभिषेक, अन्नव, अपार किसको बोला? अपने हस्बैंड को बोला। बार बार जो है अभिनव का ये जो मजाक बनता है घर के अंदर, खैर मुझे क्यूट लगता है,
मुझे उसमें, क्योंकि वो रूबीना के मुंह से निकल गया तो अब हर कोई जो है एडवांटेज ले रहा है। और आपने देखा रूबीना और अभिनव को भी इस बात का कोई बुरा नहीं लगता है, दोनों भी हंसते रहते हैं, सलमान खान भी मजाक उड़ाते हैं। खैर इतनी नोकझोंक और मस्ती जो है घर में अच्छी भी लगती है। तो कल जो है मेरे मुंह से भी अभिषेक निकल रहा था, अभिनव को रूबीना बोलती हुई भी नजर आएंगे कि शट अप मुझे सोचने दो। तो ये जो है रूबीना अब समझ गई है। अब रूबीना बहुत, मैंने परसों के एपिसोड में बोला था कि रूबीना की स्ट्रैटेजी गलत, जो वो सामने से जाकर बात कर रही थी वो गलत नहीं था, स्ट्रैटेजीज उसकी पॉलिश नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया कि रूबीना जो है अपना गेम अच्छा तो खेल रही है। मैं इसी की ही बात कर रही थी जो वीकेंड का वार में सलमान खान ने उन्हें समझाया है, क्योंकि ये चीज़ नज़र आ रही थी रूबीना में बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत आगे जाएंगी। टॉप में मुझे लगता है लास्ट में जब स्टेज शेयर करने की बारी आएगी रूबीना को मैं वहाँ देखती हूँ खड़े। और घर वालों ने किन चार लोगों को जो है फाइनल बनाया है? एजाज, जैस्मिन, रूबीना, अली, राइट? एजाज, जैस्मिन, रूबीना, अली, मैं देखती हूँ जैस्मिन, रूबीना, अली और राहुल वैद्य को। और एजाज खान फिफ्थ नंबर पे हो सकते हैं, लेकिन मैं चार लोगों की बात करूँ तो सॉरी, हाँ, जैस्मिन, रूबीना, एजाज और राहुल को। पांचवें नंबर पर अली, पवित्रा या कविता, मैं इनमें से देखती हूँ। निक्की तंबोली, एक्चुअली निक्की भी बहुत अच्छी हैं। टॉप थ्री रखते हैं रूबीना, जैस्मिन और राहुल। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ये तीनों जो हैं बहुत क्योंकि जैस्मिन को जो सपोर्ट मिल रहा है ना, अली अंदर गया है, मेकर्स का सपोर्ट है, उसको क्यूट क्यूट बोल के बहुत सारी चीज़ें करने की आज़ादी है, तो जैस्मिन का मोराल ऐसे ऐसे अप होता जा रहा है जिसकी वजह से वो गेम स्ट्रॉन्ग करेगी। आज अली को भी बोल दिया कि तुम रहने दो, अली ने जो उसको सजेशन दिया कि तुम अपनी डिग्निटी खो रही हो। अली कौन सी अपनी डिग्निटी बचा रहे हैं? अली खेलने दीजिए जैस्मिन को जो गेम खेलना है, रियल होने दीजिए। मुझे लगता है मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई जब आज वो टास्क के समय कर रही थी, एल्स जो किचन में कविता ने किया था उसका जो है बदला ले रही है जैस्मिन। ठीक है, लेने दीजिए ना, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बुराई है। जब वो एजाज को बोल रही थी तब आपको नहीं लग रहा था, तब आपने बोला कि जाके माफ़ी मांगो कविता के लिए, तो आपने एक बार भी नहीं बोला। तो जैस्मिन जो है उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज अली का साथ, मेकर्स का प्रमोशन, इन सब की वजह से आगे जाएंगी और टॉप थ्री में मैं उन्हें देखती हूँ। खैर जैस्मिन रूबीना को नहीं देखती, ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। तो एजाज, जैस्मिन, रूबीना, अली, ये घर वालों ने चुने हैं चार विनर जो उनको लगता है कि फिनाले में जिसे देखना चाहते हैं। आज जान घर से बाहर गए और बहुत निकी रोई है, उन्होंने कहा कि जान डिजर्व करते थे रिस्पेक्ट लेकिन मैं उन्हें नहीं दे पाई। सलमान खान ने बोला मुझे आके अकेले में मिलना और इनके आने से पहले तुम अच्छे बड़े सुपरस्टार बनना। मुझे लगता है कि उनको हेल्प की जाएगी। और पता नहीं क्यों मैं जान का गेम पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज जब वो जा रहे थे मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई। एक बॉन्डिंग हो जाता है, आप भी एज अ दर्शक व्यूअर जब देखते हैं सबको साथ में तो आपको भी वो खालीपन महसूस होता है कि अब ये एक शख्स जो है बाहर चला जाएगा तो बाकी घर वाले उसे कितना मिस करेंगे। तो ये जो चीज़ है घर वालों को कितना महसूस हो रही होगी। आज जान के जाने पर मुझे भी लगा कि अरे बेचारा दोस्ती के चक्कर में गया। जैस्मिन कह रही थी ना कि वो बहुत अच्छा है इस गेम के लिए, निक्की ने भी बोला, लेकिन निक्की ने बोला कि मैं बाहर जाके उसी के साथ रहूंगी, दोस्त रहूंगी। तो ये चीज़ जो है आज निक्की बोलती हुई नजर आई, उसको रियलाइज हुआ, उसने जान की तस्वीर ली, अपने सिरहाने के पास रखी, पलंग के पास रखी। जाहिर सी बात है उसे मिस करती है, उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि बाहर जाने के बाद निक्की और जान की दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। मैं एक्टिंग की बात कर रही थी और बीच में जो है जैस्मिन की बात आ गई। खैर रूबीना ने क्या एक्ट किया है, बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरती से उसने इमोशंस, उसने देखा वो बैठी, वो कैरेक्टर में आई, उसने सोचा कि अच्छा मुझे पवित्रा को निभाना है, वो कैरेक्टर में आई, उसने उतना समय लिया, उसने कोई घाई नहीं की। कविता भी मस्त कर रही थी, एजाज कविता को देख के कितना ज़्यादा खुश हो रहे थे, मज़े ले रहे थे वो। लेकिन एजाज का आज मैंने देखा जब राहुल ने भी एजाज की एक्टिंग की तब भी वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, लेकिन कविता में ये बात नहीं है। कविता उस दिन भी जो है मैंने बोला था गार्डन एरिया में जो एक चल रहा था वो सर पे ऐसे रख के घूमने वाले वो सारे टास्क, तब कविता कितना ज़्यादा लग रहा था कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आज भी जब अली उनकी एक्टिंग कर रहा था तब जो है वो कह रही थी ओवर एक्टिंग, इंटरेस्ट नहीं है। अरे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लग रहा था उन्हें, तो वो नहीं होना चाहिए, कहीं कई चीज़ों को घर के अंदर फन में लिया जाना चाहिए। एजाज दे रहे थे फन में कि हाँ ठीक है चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा था। निक्की की एक्टिंग अभिनव ने की, वो उन्होंने कोई एक स्टेप बना लिया ऐसे ऐसे घूमने का, और निक्की कहती है मैं ऐसा करती ही नहीं हूँ। और
निक्की की एक्टिंग अगर राहुल को दी जाती तो मजे आ जाते हैं। वो जो राहुल उसकी एक्टिंग करता है ना बोलने की, वो सुनने में मुझे तो बहुत मजे आते हैं। और जब बोला कि निक्की की एक्टिंग कौन करेगा, तो मैं सोच रही थी कि राहुल को बोले। खैर, वो खत्म होने के बाद राहुल ने की निक्की की एक्टिंग, और आपने देखा जब भी राहुल निक्की की एक्टिंग करते हैं तो निक्की हंसती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा मैं करती हूँ। और आज जो है पवित्रा ने भी एक्टिंग की, जैस्मिन की एक्टिंग निक्की ने की, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस दिखी एकता कपूर। तो सभी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन रूबीना अमेजिंग थी, बेस्ट थी, उसे इम्यूनिटी स्टोन मिला। सलमान खान ने निक्की को बोला तुम्हें तो इम्यूनिटी स्टोन की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो वैसे ही सेफ हो जाओगी, तो रूबीना को इम्यूनिटी स्टोन की ज़रूरत है। तो आज उनको रियलाइज़ भी कराया कि तुम जो है नॉमिनेटेड हो, घर के बाहर जा रही हो। अभिनव एकदम शॉक कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, हालांकि गेम खेल रहे थे सलमान खान। तो ये सारी चीज़ें जो है आज घर के अंदर हुई हैं, जान भी गए हैं। एकता निक्की से इम्प्रेस दिखी, रूबीना से इम्प्रेस दिखी। राहुल जो है आज जो है, कल वीकेंड का बाद में उनका प्रेजेंस था, आज जो है इतना ज़्यादा उनको नहीं मिला, लेकिन बाहर जो है टास्क वास जब हो रहा था तब राहुल दिखे। और वो पानी वाला टास्क मुझे तो सच में कुछ समझ में ही नहीं आया कि उस टास्क की ज़रूरत क्या थी। आज जो गेस्ट भी आए थे स्टेज पर, वो भी जो है 10-15 मिनट ऐसे ही चला गया, उसमें भी बिल्कुल भी मज़े नहीं आ रहे थे मुझे। उनके जोक से ज़्यादा तो सलमान खान के जोक अच्छे लग रहे थे। तो अब कल देखना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया एलिमिनेशन। सबसे पहले मैंने आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ दी, कविता जो है एजाज को बचाएंगी और अली को नॉमिनेट कर देंगी। मैंने सोचा था कि वो राहुल को बचाएंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर रही, वो बचा रही हैं एजाज को। मैंने दरअसल अलग से ये खबर बनाई है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि कौन कौन है, किसने किस किस को नॉमिनेट किया। पवित्रा ने नॉमिनेट किया जैस्मिन को, राहुल नॉमिनेट करेंगे एजाज को, अभिनव राहुल को, रूबीना पवित्रा को, अली रूबीना को, एजाज अभिनव को, निक्की अली को सेव कर लेगी, जैस्मिन निक्की को। ये आपस की डील की होगी, क्योंकि जैस्मिन के पास निक्की का तोता था और निक्की के पास अली का, तो जैस्मिन ने निक्की को बोला होगा देख तू अली को सेव करेगी तो ही मैं तुझे सेव करूंगी, तो वो हो गया। फिर कविता को स्पेशल पावर मिला ट्विस्ट के साथ, एक को सेव करना है एक को नॉमिनेट करना है, तो वो अली को नॉमिनेट करेगी और एजाज को सेव करेंगी। तो कल ये ट्विस्ट जो है देखने को मिलेगा। अभिनव अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना चाहेंगे, लेकिन रूबीना अब अपने उस पर आ गई हैं कि मैं ही स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, वो बनाएंगी। अब देखना होगा, अब मुझे लगता है कि रूबीना का असली गेम शुरू होगा। राहुल जो है कल करते हुए नजर आ रहे हैं नॉमिनेट, तो अब देखना होगा कि राहुल भी जब एजाज को नॉमिनेट करेंगे तो एजाज गुस्सा मान जाएंगे, लेकिन राहुल क्यों ना करे एजाज को नॉमिनेट, प्रॉब्लम क्या है, सभी तो गेम खेल रहे हैं। आप तो बचे ही कितने हफ्ते हैं, 7 हफ्ते, उसमें भी दोस्तियां निभाओगे क्या, अब अपने आप को बचाओगे ना, आपको आगे जाना है। तो अब ये देखना होगा कि कल जो है नॉमिनेशन टास्क के बाद सभी के सभी जो लोग सदस्य, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन नॉमिनेट होगा, जैस्मिन, अली, राहुल, पवित्रा, रूबीना, अभिनव। मुझे लगता है कि तलवार जो है पवित्रा और अभिनव के सर पर होगी, जैस्मिन बच जाएगी, अली बच सकता है, राहुल तो बचेगा ही, पवित्रा रूबीना इस हफ्ते फिर नॉमिनेट होगी। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन का रिकॉर्ड बनाने वाली है रूबीना, लेकिन वो इम्यूनिटी स्टोन मुझे नहीं लगता कि यूज़ करेंगी, ना ही उन्हें करना चाहिए। तो अभिनव और पवित्रा मुझे लगता है कि इस हफ्ते डेंजर जोन में होंगे, और देखना होगा कि कौन जाता है। तो फिलहाल जो है कल के एपिसोड का इंतज़ार करते हैं, बिग बॉस की एक्सक्लूसिव खबरें और साथ में फेयर, ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू के लिए आप बने रहिए फिल्म इंडो के साथ।